हाँ तो भाई लोग, अब तक तुम लोगों ने ये वाला लाइव स्ट्रीम तो देख ही लिया होगा, और अगर देख लिया है तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि कल अपडेट के साथ में ऑल यूनिफॉर्म सेल आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से यूनिफॉर्म है जो ऑल यूनिफॉर्म सेल पे आप ले सकते हो, मतलब सारे के सारे, सारे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, कौन से कैरेक्टर का यूनिफॉर्म लेना है, किसका नहीं लेना है और किसका ले सकते हैं, मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूँ, ले सकते हो, लेना है और नहीं लेना है। और हाँ गाइस, कम्युनिटी पे मैंने आज एक पोस्ट डाला है तो एक बार जाके वो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के और देखते हैं किस किसका यूनिफॉर्म लेना है, किसका नहीं लेना है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले है सिल्वर सर्फर, क्योंकि मैंने इसको फेवरेट करके रखा था। तो भाई लोग कल आएगा इसका यूनिफॉर्म और हम बाय करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि इसका यूनिफॉर्म लेना है या नहीं लेना है। तो अभी फिलहाल रुक जाओ, थोड़ा सा सबर कर लो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेजर, और इसका तो यूनिफॉर्म मतलब हाँ इस कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो। बाकी एडम वॉरलॉक का यूनिफॉर्म मस्ट बाय है अगर तुम्हारे पास ये कैरेक्टर है, लेट्स गो। यहाँ पे थेनोस है, नहीं ले सकते, अवेलेबल नहीं है, अभी रुक जा चीचा। ओके, यहाँ पे है मैडलिन क्वीन, इसका यूनिफॉर्म नहीं है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है जीन ग्रे, मस्ट बाय यूनिफॉर्म अगर आपके पास जीन ग्रे है, और उल्वरीन अगर आपके पास में आर्टिफैक्ट है तब ये मस्ट बाय है, नहीं तो फिर आप नहीं लो इसको तो ही अच्छा रहेगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नीटो, इसका यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है, और इसके बाद में यहाँ पे है स्ट्रॉम, ये भी अवेलेबल नहीं है, हाँ मतलब वैसे भी प्रीमियम है, और ये हेयर रोग, ये भी प्रीमियम है लेकिन ये अवेलेबल भी नहीं है तो ले भी नहीं पाओगे, और ये है कार्नेज अगर आर्टिफैक्ट है तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, और इसके बाद में है डॉक्टर ऑक्टोपस, मस्ट बाय है अगर आपको कम्बेट विलेन चाहिए फॉर एबीएक्स एंड एबीएल, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हो अगर नेमोर को यूज करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे है हल्क, हल्क मस्ट बाय है एबीएल, उसके बाद में टाइमलाइन बैटल वगैरह के लिए, अदर वर्ल्ड बैटल वगैरह के लिए काम आता है। सेरन रोजर ले सकते हो, आपकी मर्जी, अगर यूज करने का मन हो रहा है तो ले लो, नहीं तो बहुत जरूरी नहीं है। और आयरन मैन, इसको भी अगर आपको मन कर रहा है लेने का तो ले सकते हो, हालांकि अभी देखो न्यू प्लेयर को फ्री में मिला है आयरन मैन, तो हाँ आपके लिए मस्ट बाय है, ठीक है। और इसके बाद में लूना स्नो नहीं मिलेगी, मतलब नहीं ले पाओगे, अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन, मस्ट बाय है फॉर अदर वर्ल्ड बैटल एंड पीवीपी, एंड इसके बाद में नहीं मिलेगा ये ब्लैक बोल्ट। और इसके बाद में लोकी, मस्ट बाय है अगर आपके पास थेनोस नहीं है या फिर थेनोस नहीं बिल्ड करना चाहते हो तो ये मस्ट बाय है। और इसके बाद में थॉर, ये मस्ट बाय है फॉर फार्मिंग, एंड इसके बाद में केबल फॉर एबीएल मस्ट बाय, ऑलमोस्ट लेजेंड भी कर देता है, अच्छा डैमेज है, लेवल टीवीपी खेल सकते हो, टियर 4 भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। और इसके बाद में है नेमोर, इसका यूनिफॉर्म भी आप ले सकते हो अगर आपको डब्बा लेने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हेला मस्ट बाय है फॉर सपोर्ट एंड लीडरशिप, बाकी हाँ एबीएक्स में काम आ जाती है अगर आपके पास विलन नहीं है कोई यूनिवर्सल टाइप का फीमेल या फिर कोई भी विलन मतलब नहीं है। तो यहाँ पे है कैप्टन मार्वल, और इसको आप ले सकते हो, ये मस्ट बाय यूनिफॉर्म है, ठीक है। एंटमैन ले सकते हो, आपकी मर्जी, वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता है लेकिन डैमेज बहुत अच्छा है। और उसके बाद में है ये भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, हाँ मतलब वर्ल्ड वॉर लेजेंड में अच्छा डैमेज दे देता है तो ले सकते हो अगर खेलने का मन हो रहा है। और ये है ग्लेडिएटर, भाई साहब क्या ही बताऊँगा, मतलब ग्लेडिएटर का भी मस्ट बाय है क्योंकि अगर ग्लेडिएटर है तो 6600 क्रिस्टल दिया है तो क्या मतलब 1500 क्रिस्टल और दे ही दो, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद में ये डॉक्टर स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है लेकिन ले सकते हो, अच्छा यूनिफॉर्म है, हाँ ठीक है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब ब्लास्ट में अगर केबल है तो फिर इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। और इसके बाद में साइक्लोप, ये मस्ट बाय यूनिफॉर्म है फॉर लीडरशिप एंड सपोर्ट, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, पुराना वाला अगर है तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा और क्या। प्रोफेसर एक्स ले सकते हो, अच्छा है लेकिन मस्ट बाय नहीं है। और इसके बाद में हाँ मतलब अगर केबल नहीं है तो मस्ट बाय है, ठीक है, एबीएल के लिए ब्लास्ट म्यूटेंट हीरो ऐसा कुछ है, ये मस्ट बाय है अगर आपने नेमोर बिल्ड किया है या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं है फॉर एबीएल या फिर एबीएक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको कॉम्बैट हीरो में काम आता है और बहुत अच्छा डैमेज है तो मतलब इसको ले सकते हो अगर मून नाइट नहीं है तब, और ये इसको ले सकते हो, अच्छा है लेकिन मस्ट बाय नहीं है, और ये अच्छा है लेकिन मस्ट बाय नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में ब्लैक विडो, हाँ इसको अभी भी ले सकते हो अदर वर्ल्ड बैटल के लिए, ग्रिड लगा के खेल सकते हो लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे है घोस्ट राइडर, इसका नहीं ले पाओगे क्योंकि अवेलेबल नहीं है। और ये है मेफिस्टो, इसका यूनिफॉर्म नहीं है, इसका भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसका भी यूनिफॉर्म नहीं है, और इसका भी यूनिफॉर्म नहीं है, नो यूनिफॉर्म, हाँ ये वाला ले सकते हो सपोर्ट के लिए, ले सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसका नहीं ले पाओगे, मतलब स्पेशल वाला यूनिफॉर्म है। और इसके बाद में डॉक्टर डोम नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ठीक है, इसका यूनिफॉर्म नहीं है। बाकी प्रोक्सीमा ले सकते हो सपोर्ट के लिए, एबीएक्स वगैरह में काम आ जाती है। वांडा रहने दो, स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कैप्टन मार्वल है अपने पास में, और ये इसका नहीं लेना है, ठीक है, इसका ले सकते हो अगर आपको अदर वर्ल्ड बैटल में यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे हैवॉक है तो इसका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, और इसके बाद में इसका नहीं लेना है, स्किप कर दो, डेडपूल का नहीं ले पाओगे ये वाला, और रही बात इसकी तो यूनिफॉर्म ही नहीं है। और इसके बाद में ये वाला नहीं लेना है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब क्या ही करोगे लेके, ठीक है, अगर मतलब एसी खेलते हो तो अलग बात है। इमा फ्रॉस्ट का अभी फिलहाल काम नहीं है, हाँ मतलब एसी में काम आ जाती है लेकिन ठीक है यार अभी रहने दो, ना लो तो बेटर है, अगर आर्टिफैक्ट नहीं है तो कतई नहीं लेना है, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। आइस मैन इसका नहीं ले पाओगे, स्पेशल है और ये भी प्रीमियम है, और इसका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, इसका नहीं लेना है, इसका यूनिफॉर्म भी नहीं लेना है। इसका यूनिफॉर्म ले सकते हो लीडरशिप के लिए अगर आपके पास है, नहीं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्रूट का अगर देखो आप गार्डियन वाले टीम से एबीएल खेलते हो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में इसका नहीं लेना है, ठीक है, ये स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सेंची स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सी हल्क ले सकते हो फॉर लीडरशिप, एंड टास्क मास्टर मस्ट बाई है, एंशियंट वन मस्ट बाई की कैटेगरी में आ सकती है। हाँ मतलब ठीक है, चलो मस्ट बाई बोल देते हैं। और उसके बाद में ये इंचेंट्रेस मस्ट बाई है फॉर एबीएल सपोर्ट, एंड हाँ ठीक है, सपोर्ट के लिए अच्छा काम कर देती है ये मस्ट स्किप है, इसको लेना ही नहीं है, ये ले नहीं पाओगे। भाई कितने सारे यूनिफॉर्म है जो नॉट अवेलेबल, नहीं ले पाओगे। मैं बोल रहा हूँ आधे से ज़्यादा बढ़िया वाले यूनिफॉर्म तो नहीं ले पाओगे, नॉट अवेलेबल हो गए। रॉकेट इसका नहीं लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वही है स्टार लॉर्ड वाला टीम, ठीक है, बाकी इसका नहीं लेना है। और इसका हाँ वही स्टार लॉर्ड अगर लीडरशिप के लिए चाहिए तो ले सकते हो, या फिर एबिल खेलते हो तो ले सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और इसका ज़रूरत नहीं है, अगर आयरन मैन के साथ में यूज़ करना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और इसका नहीं लेना है, ठीक है, इसका ये वाला यूनिफॉर्म मस्ट बाई है अगर आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर पुराना वाला है तो इसका भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट वाले का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट है कैप्टन अमेरिका, ये इसका नहीं लेना है, ठीक है, और ये इसका नहीं लेना है, बिना यूनिफॉर्म पे भी ये सपोर्ट दे देता है सेम सेम, और इसका भी नहीं लेना है, इसका भी नहीं लेना है। रेड गोब्लिन मस्ट बाय है, अभी भी लीडरशिप एंड सपोर्ट में काम आता है, और हाँ अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर एबीएक्स में भी काम आएगा। इसका नहीं ले पाओगे स्पाइडर गोयन का आका ही नहीं लेना है, ठीक है, इसका नहीं लेना है। मिस मार्वल का, निक फ्यूरी का लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म मस्ट बाय है अगर आपके पास निक फ्यूरी है, हाँ मतलब मस्ट बाय तो नहीं लेकिन ठीक है, ले सकते हो। इसका नहीं ले पाओगे, प्रीमियम यूनिफॉर्म है और अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, और इसका नहीं लेना है, स्किप कर दो। इसका नहीं ले पाओगे फिर से, अगेन अवेलेबल नहीं है। भाई साहब ये कितना सारा अवेलेबल नहीं है प्रीमियम यूनिफॉर्म। ओके ठीक है, इसका इसका भी नहीं ले पाओगे, ये भी प्रीमियम यूनिफॉर्म है, पैसे वाला है, और इसका नहीं लेना है, ठीक है, इसका भी डॉक्टर स्टेंस के लिए ओनली ले सकते हो, नहीं तो फिर स्किप कर दो। और इसका अगर ऐसे खेलते हो तो ले सकते हो, नहीं तो स्किप कर दो। इसका क्या ही बताऊँ, मतलब यार क्या ही करना है इसका लेके, ठीक है, लीडरशिप है, बहुत सारे कैरेक्टर है अपने पास में, इसका भी अभी काम नहीं है, अल्ट्रोन का भी काम नहीं है, ठीक है, इसका नहीं ले पाओगे, ये भी प्रीमियम है। भाई हर चौथा पाँचवा कैरेक्टर प्रीमियम हो रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं मार्वल वाले, कैसे खेलेंगे हम गरीब लोग, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है, इसका छोड़ दो, इसका यूनिफॉर्म ही नहीं है, और थीना का यूनिफॉर्म नहीं लेना अभी फिलहाल के लिए, क्या ही करोगे लेके, इसका भी नहीं लेना है, ठीक है, इसका भी नहीं लेना है। बेटर एबिल मस्ट बाय है फॉर सपोर्ट, एंड अगर आपके पास में ओडिन है, और अगर आपके पास में ओडिन नहीं है तो फिर डैमेज के लिए भी अच्छा है ये। एंड मून नाइट मस्ट बाई फॉर एबीएक्स, लेकिन अगर आपके पास में ब्लैक पेंथर नहीं है तब की बात है, नहीं तो अगर ब्लैक पेंथर है तो इसको नहीं लेना है, मतलब ब्लैक पेंथर या फिर मून नाइट एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और इसका नहीं लेना है, ठीक है, और इसका मस्ट बाई है स्पाइडर गवेन, एंड मिस्टिक मस्ट बाई यूनिफॉर्म है फॉर एबीएक्स, स्कोर करने के लिए, नहीं तो सपोर्ट के लिए तो जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा। और गमोरा मस्ट बाई फॉर एबीएक्स, स्कोर हीरो वाले दिनों में काम आती है, बहुत अच्छा स्कोर करती है, बहुत डैमेज करती है, लेवल 80 पे भी ओल्ड बॉस में बहुत अच्छा डैमेज दे देती है, तो ये मेरे हिसाब से मस्ट बाई है, बाकी आपकी मर्जी है, लीडरशिप भी है इसका। इसका नहीं लेना है अभी, किसी भी हाल में नहीं लेना है, स्किप कर दो एकदम से, ये स्किप कर दो कोई ज़रूरत नहीं है। कॉर्बेस का स्किप कर दो कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी स्किप कर दो। बीस्ट का इसका मस्ट बाई है अगर आप लीडरशिप के लिए यूज़ करना चाहते हो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका भी मस्ट बाई है फॉर सपोर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, लाइक अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। इसका तो यूनिफॉर्म ही नहीं है, मतलब हाँ अभी अभी आई है कैरेक्टर, इसका नहीं लेना है, ठीक है, और इस पे तो हाई ना, ठीक है, इसका नहीं लेना है X23 का, इस पे भी नहीं है, और इसका भी नहीं लेना है। कैप्टन ब्रिटेन यानी कि साइलॉक का भी नहीं लेना है, कोई सा भी यूनिफॉर्म, गेम्बिट का भी नहीं लेना है, मिस्टर सिनिस्टर का भी नहीं लेना, बस छोड़ दो यार क्या करोगे, मतलब ठीक है अगर आर्टिफैक्ट है तो काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वैसे भी प्रीमियम कैरेक्टर है, और इसका तो है ही ना, बाकी इसका भी नहीं लेना है, ठीक है, इसका आप ले सकते हो अगर इसका आर्टिफैक्ट है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अदर वर्ल्ड बैटल में थोड़ा बहुत काम कर देती है या फिर एसी वगैरह में काम कर देगी, नहीं तो आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा, इसका नहीं लेना है। और इसका ये देखो सरसी 2.0 है, तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो मस्ट बाय नहीं बोलूंगा मैं, आर्टिफैक्ट भी चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। एजेंट वेनम अभी सिल्वर सर्फर के साथ में कितना अच्छा सपोर्ट करेगा ये देखना पड़ेगा, इसका आर्टिफैक्ट रहेगा तभी काम होगा, ठीक है, तो देखते हैं, बाकी इसका नहीं लेना है, ठीक है, इसका भी एसी के लिए ओनली लेना रहता है, नहीं तो फिर नहीं लेना है, एसी वाला कैरेक्टर है ये, देखो आयरन मैन के लिए है, अगर चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर स्किप कर दो, खत्म हो गया क्या कैरेक्टर अभी है, इसका नहीं लेना है और इसका भी नहीं लेना है, ये तो है ही ना इस पे, भाई इसको छोड़ दिया इन्होंने पता नहीं क्यों सिनिस्टर सिक्स में, इसका भी नहीं लेना है, ये इसका इसके पास तो है ही ना। लॉर्ड मॉर्बियस भाई इसके पास भी यूनिफॉर्म नहीं है, और रेड गार्डियन का नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ का मस्ट बाई है सबके लिए। एंड नेबुला अगर आपको कम्बेट फीमेल चाहिए तो फिर यस मस्ट बाई है,
और यहाँ पे इसका स्वॉर्ड मास्टर का नई टाइटेनिया, हाँ मस्ट बाई है फॉर न्यू प्लेयर एंड लीडरशिप के लिए, एबीएक्स में स्कोर भी कर देती है। बाकी यहाँ पे टॉक्सिन का यूनिफॉर्म नहीं है और वेलकरी मस्ट बाई है, ठीक है ये इसको छोड़ दो, रहने दो मोनिका को, इसको भी रहने दो, और ये इसके पास में तो है ही ना, इसका रहने दो, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, मेंटिस को नहीं लेना, रहने दो यार क्या ही करोगे, इसका तो भाई मिलेगा ही नहीं, ठीक है मतलब स्पेशल था, और इसको भी नहीं लेना है, रेस्क्यू का यूनिफॉर्म नहीं लेना है। बाकी यस रिरी विलियम ले सकते हो लीडरशिप एंड सपोर्ट के लिए, मतलब न्यू प्लेयर हो तो मस्ट बाई है, ठीक है अगर एकदम से न्यू प्लेयर हो। सरसी का ले सकते हो अगर आर्टिफैक्ट है तो, ये काम कर देती है अदरवर्ल्ड बैटल वगैरह में। बाकी स्पाइडर वुमेन भूल जाओ, वास मस्ट बाई यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड नाडिया वेंडाइन भूल जाओ, कौन है ये भी कौन है, एरो, ठीक है ये कौन है भाई, अरे एक नाइट बोल जाओ बोल जाओ, इन सबको बोल जाओ, ठीक है। देखो इसके पास में यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन इसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और हाँ ये वाला यूनिफॉर्म ले सकते हो फॉर स्पीड विलन में सपोर्ट के लिए, लाइक ये सिनिस्टर सिक्स को देता है सपोर्ट। ये है मक्कारी और इसने कर दी है मक्कारी, तो अभी इसका काम नहीं है, ठीक है मतलब हो गया इसका टाइम खत्म हो गया। इसको भी नहीं लेना है और इसका तो ले नहीं पाओगे, स्पेशल यूनिफॉर्म है एंड स्पोर्ट का यूनिफॉर्म नहीं है, इसका लेना नहीं है और इसका भी नहीं लेना है, इसका ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। ये मस्ट बाई है एंजेला, ठीक है फॉर सपोर्ट, डिस्ट्रॉयर का यूनिफॉर्म मस्ट बाई है, इसको तो लेना ही है भाई क्योंकि ये गोल्ड से मिलता है, ठीक है। और ये मस्ट बाई है फॉर न्यू प्लेयर्स एंड हाँ ठीक है ले सकते हो, अच्छा कैरेक्टर है। और घोस्ट पेंथर का तो है ही ना, और ये रॉबी रेज का नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये इसको स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मतलब वो सीटीपी के लिए कहीं पे रिक्वायरमेंट था शायद, इसका यूनिफॉर्म रहेगा तो सीटीपी मिलेगा, तो उसके लिए लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है। और इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसका तो है ही ना, और इसका भी स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, स्किप स्किप स्किप, डेकन का है ही ना, इसका भी है ही ना, डेजलर का, ठीक है रुक जाओ एक मिनट बता रहा हूँ कौन से अभी इधर, ठीक है इधर वाले आओ भाई साहब, रोनन 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 इसका यूनिफॉर्म मस्ट बाई है, हाँ मतलब आज ही बता रहा हूँ, अपडेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीडरशिप एंड सपोर्ट कैरेक्टर में यूज होगा, ये लीडरशिप में यूज होगा, सपोर्ट में यूज होगा, ठीक है। तो यस इसका यूनिफॉर्म मस्ट बाई है जो लेटेस्ट वाला आ रहा है, बाकी छोड़ दो इसको बोल जाओ, इसको भाई ये क्या है, ये कौन है ये, ठीक है कौन है वो, किसी को पता है तो बताओ कमेंट करें, ठीक है। इधर वाले यूनिफॉर्म नहीं है और जो है उसको लेना भी नहीं है, देखो इसका ये वाला यूनिफॉर्म नहीं लेना है ऑब्जर्विंग मैन का, ठीक है ठीक है कुछ होगा तो मैं बताऊंगा कौन सा लेना है, ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिफॉर्म्स नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं, नहीं नहीं कोई सा भी नहीं लेना है इधर का, ओके इधर का कोई सा भी नहीं लेना है, कोई बचा है, कोई बचा है, किसी का यूनिफॉर्म है जो बचा है, कोई है कोई है, आ जा भाई, ओ भाई साहब ये कौन है, ये कौन है भाई, ब्लैक कैट, ये ले नहीं पाओगे, अवेलेबल नहीं होता है ये, देखो यहाँ पे नॉट अवेलेबल बताएगा, अभी ये प्रीमियम यूनिफॉर्म है, ठीक है कैसी लेंगे भाई, सब चूतिया काट दिया कैसी का, ठीक है एंड ठीक है ओके 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 ओके, नहीं 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 कोई नहीं है, कोई नहीं है, ओ माय गॉड कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ठीक है नो 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 ओके ठीक है ख़त्म हो गया। तो भाई लोग ख़त्म हो गया अपना कहानी, सारे के सारे यूनिफॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। बाकी कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।